कहने को तो अखिलेश सिंह सदर रायबरेली के विधायक रहे, लेकिन उनके प्रशंसक और उनकी गौरव गाथा का गान करने वाले पूरे जनपद में आपको गली गली में मिल जाएंगे। कोई जनपद की शान कहता है तो कोई जनपद का शेर, तो कोई गरीबों का मसीहा कहता है तो भारी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो ये भी कहते हैं कि गरीबों की आवाज़ बनने के लिए और गरीबों का हक दिलाने की लड़ाई लड़ने के लिए ही अखिलेश सिंह नेता और दबंग बने थे। कुछ तो ज़रूर था अखिलेश सिंह में जो आज के दौर में लगातार दो बार ग्राम प्रधान बनना मुश्किल है, उस दौर लगातार पांच बार विधायक बनना और छठी बार बेटी को रिकॉर्ड मतों से जिताना और अंतिम यात्रा में लाखों की भीड़, ये बताती है कि कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से किसी कारण बस माफिया दबंग या कुछ और कहते रहे हों, लेकिन आम जनमानस के हृदय में अखिलेश एक प्रिय नेता के रूप में बसे हुए थे। पूरे जनपद में शोक सभाएं हो रही है तो वहीं लालगंज नगर जो अखिलेश सिंह का चुनावी क्षेत्र भले नहीं रहा हो, लेकिन उनका एक बड़ा प्रशंसक वर्ग यहाँ भी है। आज लालगंज नगर के वीरापासी तिराहे पर मुलन सिंह की अगुवाई में कई सैकड़ों नवयुवकों ने शोक सभा आयोजित की और साथ ही कैंडल मार्च निकाला, जहां अखिलेश अमर रहे और जब तक सूरज चांद रहेगा अखिलेश सिंह का नाम रहेगा के गगनभेदी नारों से वातावरण गुंजयमान हो रहा था। सभी उपस्थित लोग अपने प्रिय नेता को याद कर भाव विभोर हो रहे थे। कोई संस्मरण सुना रहा था तो कोई कह रहा था कि जनपद के शेर चला गया, तो कोई कह रहा था कि एक युग का अंत हो गया, तो वहीं कुछ लोग जनपद का अद्वितीय नेता भी बता रहे थे। लोगों के अनुसार जनपद में ऐसा नेता नहीं हुआ और न आगे होगा। इसी तरह की यादों के बीच लोग आंखों में आंसू लिए अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। इसी के साथ दो मिनट का मौन रखकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। खबर इंडिया के लिए रायबरेली से ब्यूरो चीफ उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।